उत्तरकाशी में यमुना घाटी और गंगा घाटी के जंगलों में इस समय भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी ज्यादा लगी है कि चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। रात भर कई क्षेत्र में जंगल धू-धू कर जलते रखे। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तरकाशी के मुखेम रेंज, डूंडा रेंज और यमुना घाटी के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है। साथ ही वन्य जीवों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वन विभाग को जंगलों में लगी आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण करना चाहिए। लगता है अधिकतर हमने ये देखा कि शीतकाल में ही लोग उसमें आग लगाते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो मैंने बताया आपको जैसे घास का है, दूसरा है जानवर पानी पीने के लिए नीचे आते हैं और वो जो है उनके पत्थर, उनके पैरों से जो पत्थर गिरते हैं वो आपस में टकरा करके उसमें जो है आग का जो है लगना प्रारंभ। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी संवाददाता। बलबीर, आग बुझाने की मशक्कत लगातार विभाग की टीम कर रही है, किस तरह से कोशिशें जारी है और अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? बिल्कुल, जो जनपद उत्तरकाशी के जो जंगल है वो पिछले तीन दिनों से आग लगी हुई है और खासकर जो डुंडा रेंज है, मुखेम रेंज है और जो यमुना जो वन प्रभाग पड़ता है, अपर वन प्रभाग, वहां पे भी आग लगी हुई है। तो लगातार जो आग है वो अपना विकराल रूप लिए हुए है। हालांकि जो वन विभाग की जो टीमें हैं वो आग बुझाने पे लगी हुई है, पर जिस तरह से आग फैली है और शुरुआती दौर में जिस तरह से वन विभाग का ढीला ढाला रवैया रहा, उसके बाद आग बेकाबू हो गई और पूरे जनपद में इसमें धुंध छाई हुई है। जो धुआं के गुब्बार जो उड़ रहे हैं उसके चलते पूरे जनपद में जो धुआं है वो देखा जा सकता है। और कह सकते हैं कि सर्दियों में अमूमन आग लगती नहीं है, पर जिस तरह से मौसम बारिश नहीं हुई है उसके बाद हमने पिछले सीजन में भी देखा था कि जंगल सर्दियों में जले थे और जो वन विभाग होता है उनकी फायर सीजन में ही तैयारी की रहती है। तो अब पिछले दो तीन सालों की हम बात करें तो जिस तरह से आग लग रही है खासकर सर्दियों के मौसम में और जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है, इसके अलावा जो जंगली जीव जो रहते हैं जंगलों में उनको भी खासा नुकसान पहुंचा है और आग की तस्वीरें बताती है कि किस तरह से विकराल रूप आग ने धारण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर्दियों को लेकर भी अब वन विभाग को प्लान बनाना चाहिए, जिस तरह से मौसम में चेंज आया है और बारिश नहीं हो रही है, जो आग अप्रैल मई जून में देखने को मिलती थी वो अब नवंबर दिसंबर जैसे माह में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो वेस्ट जो कीमती जो वन संपदा है वो लगातार जल रही है और जो जंगली जानवर है उन पे भी संकट गहराया हुआ है। जी बिल्कुल, तो जंगल में जो भीषण आग लगी हुई है उसके चलते ये परेशानी आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। पिथौरागढ़ के पंचाचुली क्षेत्र में शिकारी सक्रिय हो गए हैं और इस इलाके में कुछ दिनों से लगातार आग लग रही है। दरअसल ये पंचाचुली उच्च हिमालय इलाकों में मौजूद है जहां पर दुर्लभ वन्य जीव रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा ठंड होने पर ये दुर्लभ वन्य जीव निचले इलाकों की ओर आने लगते हैं। ऐसे में शिकारी आग लगाकर इन्हें मारने की फिराक में रहते हैं। आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने के बाद वन विभाग भी एक्टिव हो गया है। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विजयवर्धन उप्रेती से जानकारी लेते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि विभाग कोशिशें कर रहा है आग को बुझाने की, क्योंकि पंचाचुली जो क्षेत्र है यहाँ पर भी परेशानियां लोगों को आती है, साथ ही शिकारी भी यहाँ पर सक्रिय है। विजय, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा इलाका है तकरीबन 12,000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में ये इलाका आता है और इन दिनों यहाँ पर काफी ठंड पड़ी है, बर्फबारी की घटनाएं भी हो रही है, जिससे खासकर जो दुर्लभ वन्य जीव है चाहे उसमें हिमालय भालू हो या स्नो लेपर्ड हो, इसके अलावा कस्तूरी मिर्ग हैं, वो अब खुद को सुरक्षित करने के लिए निचले स्थानों पर आते हैं। ऐसे में शिकारी उनके फिराक में रहते हैं कि किसी तरीके से जब वो निचले इलाके की ओर आए तो आग लगा के उनको एक दायरे में कैद कर ले और उनका शिकार कर ले। तो दो चार दिन से ये घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है, जिसको देखते हुए वन विभाग भी एक्टिव है और उन्होंने अपनी टीम भी वहां पर भेजी है, लेकिन इलाका काफी दुर्गम है, काफी कठिन है, इसलिए वन विभाग को भी खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय वर्धन उप्रेती तमाम जानकारी के लिए।